हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिलहाल मैं क्रंच करने वाली हूँ वेट बिगेस्ट बार। नहीं, इधर से ये मैंने इतनी ही वेट की है। ये लेयर निकली हुई है टू। इसको मैंने वेट किया होगा लगभग 15-20 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे डर था ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, नहीं तो वाइट ज़्यादा सॉफ्ट अच्छा नहीं लगता। और बाकी का छोड़ा है मैंने ड्राई, क्योंकि वेट, इतना वेट मैंने वाइट पहले कभी खाया नहीं है। अगर अच्छा नहीं लगा तो इधर से खाऊंगी, इसलिए मैंने हाफ़ वेट और हाफ ड्राई रखा है। दूसरा, मैं इसको पूरा फिनिश बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। हाँ, उतना खाऊँगी जितना, मतलब मैं खाती हूँ नॉर्मली 5 to 7 मिनट्स ईटिंग करती हूँ, वो मैं करूँगी श्योरली। और ये स्वैलो वीडियो होगी, क्लीनिंग वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ। जो भी क्रंच कर रही हूँ, रखे हुए स्टॉक में से कर रही हूँ, वो पूरा का पूरा स्टॉक ऐसे ही रखा हुआ है, नहीं बना पा रही हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम मिलते ही मैं क्लीनिंग वीडियो अपलोड करूँगी। क्लीनिंग वीडियो सिर्फ मैंने 12 स्लेट पेंसिल की बनाई थी और उन्हीं की क्लीनिंग वीडियो बनाई थी, और बहुत छोटी थी तो मैंने अपलोड नहीं करी थी। वैसे भी मुझे और भी क्लीन करना है, बचा हुआ है अभी, तो उसको मैं मर्ज कर दूंगी। लेकिन क्लीनिंग वीडियो मैं बना नहीं पा रही हूँ टाइम इशू की वजह से। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के शेयर नहीं कर रही, मैं जल्दी ही वापस ऑनलाइन रहूँगी बिल्कुल अटेंडेंस की तरह। मतलब पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मतलब 24 घंटे प्रेजेंट रहते हैं ऑनलाइन, वो रहूँगी। जल्दी से थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का वर्क थोड़ा सा बैलेंस हो जाए ना, तो बेटी की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा लेंगे तो बेहतर रहेगा। जिनका टाइम फिक्स होता है ना, उन चीज़ों पे जाना पड़ता है, अपनी चीज़ों को छोड़ के उस काम को करने का टाइम फिक्स है। इसलिए जिनका टाइम फिक्स नहीं है, उस काम को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, फिर उस काम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। हमेशा दिमाग में यही रहता है, पहले उस काम को कर लूँ, उस काम का टाइम हो गया, इसको बाद में करेंगे, फिर किसी दूसरे का हो जाता है, इसलिए लेट हो जाती हूँ। ये वाइट बिगेस्ट बार की लेयर और भी थी इसकी, ये इतनी थिक थी, इतनी थी, आप सब लोगों ने देखी थी, ये इतनी थिक थी, काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, तो इसकी लेयर्स निकाली गई थी, खाई गई थी, और भी मेरे पास रखी हुई है। हाँ, वो बड़ा वाला सेलिस्टोन जो है ना, मैं सोच रही हूँ मैं उसको वेट करके उसकी लेयर निकाल दूँ, ऐसे प्रॉपरली उसमें से भी बाइट नहीं आएगी। फिर मैं उसको क्रंच करने का मन है, वो बहुत क्रंची था, उसको क्रंच करने का मन है वेट करके लेयर निकाल के। तो मैं क्रंच स्टार्ट करती हूँ।
डन। ये बार अपने साइज की वजह से स्पेशल है। मुझे पता है बहुत सारे दोस्तों को पसंद नहीं कि मैं फिनिश नहीं करती चीज़ों को, पर ये बार अपने साइज की वजह से स्पेशल है। ये सच में बहुत बड़ा है। देखो मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊं, खाने के बाद कंपेयर कर रही हूँ। ये लॉन्ग वाला बार जो होता है ना, वो है ये इसके सामने, और ये है हमारा नॉर्मल साइज वाला बार। ये देखिए नॉर्मल साइज वाला बार, इसलिए। और वेट और ड्राई दोनों ही टेस्टी लगे। वेट वाले में बहुत इजली बाइट आई, पूरा माउथ फुल हो गया, लेकिन मुझे क्रंची ज़्यादा पसंद है। हालांकि उसके टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, हल्का क्रंच भी आ रहा था और पाउडरी फॉर्म के बाद मतलब क्रीमी हो रहा था, ऐसा नहीं कि जाते मुंह में घुल गया था, अच्छा था। लेकिन ड्राई वाला ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा। जब वो मेरे से प्रॉपरली बाइट नहीं कटी तो मैं उसको तोड़ के लेके आई चाकू से। मैं चाकू रखती हूँ और ऊपर से भारी चीज़ मार देती हूँ, एक तरफ हो जाती है लेयर टूट के। सो डन। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर केयर, फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर ऑल। मैं पानी लेके बैठी थी लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी। बाय, टेक केयर।